मॉर्निंग एवरीवन, आज की क्लास में हम लेंस के अंदर यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो जैसा कि कल हमने देखा था, लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जो कि दो रिफ्रेक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है। किसी रिफ्रेक्टिंग सरफेस से, कर्व रिफ्रेक्टिंग सरफेस से। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपने देखा होगा कल हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया था। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, टॉप और बॉटम से थिन होता है और बीच में कैसा होता है, ठीक होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना था, तो हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर था कुछ इस तरह से, जो कि अंदर से पॉलिश था, और एक दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हमने लिया, वो भी कैसा पॉलिश है, ऐसा अंदर से पॉलिश था। तो हमने दोनों को मिला दिया और ये पॉलिशिंग को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। याद आया कल कॉन्वेक्स मिरर अपन ने पढ़ा था, ऐसा दिख रहा था। कल कॉन्वेक्स लेंस हमने पढ़ा था, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से बना था, तो वो ऐसा दिख रहा था। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस ये, अब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो वहां पर क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्रेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम पोल बोलते थे। यहाँ पे तो क्या है, पूरी सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर इस लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या नाम दिया हमने लेंस के सेंटर को, क्या नाम दिया लेंस के सेंटर को हमने, ऑप्टिकल सेंटर। दिख रहा है आपको, क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर समझ में आया। और सिमिलरली हमने देखा था कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या हो जाएगा, कॉन्केव लेंस के साथ दो कॉन्केव मिरर को मिलाकर हमने बनाया था कुछ इस तरह से। तो इस लेंस का जो सेंटर होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से। क्या होता है, सेंटर ऑफ लेंस, सिंपल सा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का क्या, सेंटर, ठीक है। अब देखो वहां पर क्या होता था, पोल से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम कौन से एक्सिस बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यहां पर भी पोल आया, पोल की जगह पर क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या क्या आएगा देखो। तो एक चीज बताओ, अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करता हूं, हमने पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, बना किससे, स्फीयर से बना। तो मान लो मैंने इस स्फीयर को कंप्लीट करा, दिख रहा है स्फीयर, मान लेते हैं कि हमने इस स्फीयर को ऐसे कंप्लीट करा। सिमिलरली हमने क्या करा, ये वाले स्फीयर को कंप्लीट कर दिया है। तो दोनों स्फीयर को हमने कंप्लीट करा, तो क्या बन रहा है, ये बीच वाला पोर्शन क्या है आपका, कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। अच्छा, अब मैं किधर से चलना चालू करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलना चालू करूंगा, तो सबसे पहले कौन सा स्फीयर आ रहा है, ये वाला स्फीयर या ये वाला स्फीयर, स्फीयर नंबर ए और स्फीयर नंबर बी, कौन सा स्फीयर पहले आ रहा है, स्फीयर। चलो स्फीयर ए की जगह हम इसको बोल देते हैं स्फीयर फर्स्ट, स्फीयर सेकंड। कौन सा स्फीयर पहले आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट से चलना चालू करता हूं तो स्फीयर फर्स्ट, है ना। अब देखो ये जो स्फीयर है फर्स्ट नंबर का, इसका क्या होगा, ये जो स्फीयर है फर्स्ट नंबर का इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, 2f1, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, और इसको हम लिखेंगे क्या, 2f1, है ना। आप इसको C1 भी लिख सकते हो और क्या बोल सकते हो, 2f1 भी बोल सकते हो। जैसे घर घर के और स्कूल के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एक नाम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और 2f1, क्लियर है सबको। अब फर्स्ट इसके
इसके साथ में हमने फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये पहले नंबर का स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और चीज पढ़ गए थे कि एक पॉइंट होता था, अच्छा हमने एक और चीज पढ़ी थी, एक इमेजिनरी लाइन होती थी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के सेंटर से मतलब पोल से पास होती थी, उसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ भी ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो इसको भी कौन सी एक्सिस बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जिसको हम, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये चीज समझ गए सब। अब देखो फर्स्ट वाली चीजें तो इधर आ गई, अब जैसे ही हम इधर जाते रहे तो अब हमको कौन सा स्फीयर मिलेगा, सेकेंड नंबर का मिला, सेकेंड नंबर का स्फीयर। तो सेकेंड नंबर के स्फीयर का भी, सेकेंड नंबर के स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 और लिखेंगे क्या, 2f2। क्लियर है सबको, और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट आ रहा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, अब इसमें से फोकल लेंथ हम किसकी हेल्प से निकालेंगे वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई सबको, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो मैं स्फीयर को मिटा देता हूं तो आपको बिल्कुल बुक जैसा दिख रहा है कि अगर ये लेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको 2f1 दे रखा है और f1 दे रखा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर क्या दे रखा है, f2 और 2f2। बुक में ऐसे डायग्राम दे रखा है, देख लो होने से क्लियर है सबको। क्या हो गया, कोई कुछ पूछ रहा था, कहां डाउट है, समरी यही है कि देखो जब हम इधर से चल रहे तो सबसे पहला स्फीयर कौन सा आया था, फर्स्ट वाला स्फीयर। तो फर्स्ट वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और लिखेंगे क्या, 2f1। इस लेंस के सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे हम इधर जाएंगे तो सेकेंड नंबर का जो स्फीयर आएगा उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड और लिखेंगे क्या, 2f2। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी कि कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो ये मान लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस ऐसा था, अब मैं चीजें पूछूंगा आपको बतानी है, ये इस लेंस का सेंटर है तो इसको कौन सा सेंटर बोलूंगा मैं, लेंस के सेंटर को क्या बोलते हैं, अभी बताया था। ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर। और चलो ये लाइन जा रही है जिसको हम कौन सी एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इमेजिनरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है उसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, प्रिंसिपल। अच्छा, C1 इधर की तरफ आएगा कि इधर की तरफ आएगा, किधर की तरफ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको मैं 2f1 भी लिख सकता हूं, और यहां पर कौन सा पॉइंट होगा, f1।
सिमिलरली यहां पर क्या होगा, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में कहीं अंतर होगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2f को। अब देखो अगर मैं इंसिडेंट रे को समझता हूं ना, मान लो किसी लाइट के बल्ब से किसी ऑब्जेक्ट से क्या निकल कर आ रही, लाइट रे आ रही है, तो उसको हम कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इसका पाथ चेंज करेगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट सीधी निकलने की जगह अपना रास्ता बदल देती थी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपना पाथ चेंज करेगी और पास होगी एक पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। यही पॉइंट क्या है आपका, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ए। तो अगर कोई सी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। क्लियर है सबको, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर कोई सी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो अब से हम इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलने की जगह क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये एफ वन भी फोकस है पर ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, कौन सा फोकस है, एफ। अब याद करो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जब हम पढ़ते थे तो हम क्या लिखते थे, पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम लिखते थे फोकल लेंथ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक की लेंथ को क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। अब ये बताओ अगर ऑप्टिकल सेंटर मेरा ओरिजिन है, ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन है और यहां पर आ रहा है आपका एफ टू और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ प्लस की होना चाहिए या माइनस की, हमने मिरर फॉर्मूला के टाइम में कन्वेंशन सीखे थे, प्लस का एफ होना चाहिए या माइनस का एफ, प्लस का एफ। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होगी। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जिनको चश्मे लगते हैं तो कोई बोलता है कि नजर का चश्मा जो लगता है किसी का नंबर नेगेटिव में होता है किसी का नंबर पॉजिटिव में होता है। तो अगर किसी पर्सन को चश्मा लगाए और उसका नंबर पॉजिटिव में है, मान लो उसका नंबर है प्लस वन, तो इसका मतलब उसको कौन सा लेंस लगा, कॉन्केव लेंस की कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंस पॉजिटिव किसके अंदर है, इसके अंदर पॉजिटिव है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में, मतलब उसको कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो अब आप लोग आज से एक चीज सीख जाओ कि अगर आपको पता चलता है किसी सामने वाले को चश्मा लगा और अगर आपने उसका नंबर पूछा अगर उसने नंबर पॉजिटिव बताया तो आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि इसको कौन सा लेंस लगा हुआ है। अब सिमिलरली हम बात करते हैं इसकी कॉन्केव लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई, कॉन्केव लेंस पर आते हैं, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के अंदर क्या होगा, देखो कॉन्केव लेंस ऐसा होता था हमारा, इस पॉइंट को हम कौन सा सेंटर बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कौन सी एक्सिस बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, मतलब यहां पर इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या लिखूंगा मैं, पहला स्फीयर यही आएगा, हाँ इस स्फीयर के सेंटर को हमने क्या लिख दिया,
सी वन और क्या लिख सकता हूं, टू एफ वन। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है ना, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पॉइंट होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ वन। सिमिलरली अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं तो इस स्फीयर के अंदर क्या होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या लिखेंगे हम, सी टू, और एक और नाम क्या लिख सकते हैं, टू एफ टू। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड के बीच में इमेजिनरी पॉइंट होगा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? तो देखो अब क्या होगा, इसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलती है या नेगेटिव। अच्छा ये तो सबको समझ में आ गया कि अगर लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो ऑरिजिन किसको मानना है, ऑप्टिकल सेंटर को। तो आपको डिस्टेंस अगर इधर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और इधर की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। अब मान लो अगर मैं एक लाइट रे को भेजता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल भेजा मैंने, दिख रही है सबको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन ये लाइट रे किसे चली जाएगी, इस रिफ्रेक्ट होने के बाद ये लाइट रे किसे चली जाएगी, कुछ इस तरह से। अगर इस लाइट रे को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं मतलब अपनी मर्जी से मैं इस लाइट रे को इधर की तरफ लाया, इसे पीछे की तरफ, तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पे कट कर रही, और इस पॉइंट से क्या लग रहा है, इस पॉइंट से देखने पर क्या लग रहा है कि ये जो हमारी रिफ्रेक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रेक्टेड रे कहां से बन रही है, इस वाले पॉइंट से बन रही है लग रहा है ना। इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो क्या लगेगा, ये लाइन यहां से बनाना चालू करूं, मतलब इस लाइन को ड्रॉ कहां से करा रही है, यहां से करा, फील हो रहा है, जल्दी बताओ लग रहा है ना यहां से कि ये लाइन यहां से बनना चालू हुई, समझ गए। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ वन। अब देखो एक प्रिंसिपल फोकस ये है, एक प्रिंसिपल फोकस ये, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी, एफ वन की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या लग रहा है कि कहां से बन रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से बनना चालू हुई है। तो अब इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ना बोलते हुए डायरेक्टली क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है सबको, ये भी प्रिंसिपल फोकस है पर हम मेनली इसको प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे एफ वन। अब एक चीज बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, कौन सी लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो बताओ इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव होगी। मतलब अगर किसी को चश्मा लगा है उसका नंबर नेगेटिव में, मतलब उसको कौन सा लेंस लगा है, उसको कौन सा लेंस लगा है, कॉन्केव लेंस लगा, रफ करते हैं इसको, समझ गए सब। अब इमेज फॉर्मेशन करने के पहले हम कुछ और जरूरी चीजें सीख लेते हैं, फिर अगली क्लास में इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमको हेल्पफुल रहेगा कि जैसे अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर मैं इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर पर से पास कराता हूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। याद करो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, अगर हम इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते थे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करती थी,
सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे को हमने क्या करा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके भी पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सबको? कोई डाउट है ना? सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी तो देख लिया है हमने, कॉन्केव लेंस के केस में देखते हैं, तो कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे को पास कराता हूं, क्या इसके पास में चेंज आएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पाथ में कोई चेंज आना चाहिए क्या? नहीं। तो अगर कोई सी भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो रिफ्रेक्शन के बाद उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है सबको? बना लो डायग्राम याद करने के लिए। बना लिया डायग्राम? अब देखो हमारे पास टाइम कम है तो हम इमेज फॉर्मेशन के केस को नहीं देख रहे, उसकी जगह आज हम पढ़ लेते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पावर ऑफ लेंस। तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्केव लेंस को हमने देखा था और कॉन्वेक्स लेंस को देखा था, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या था, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आया था, और कॉन्केव लेंस की बात करूं तो उसके केस में फोकल लेंथ क्या आया था, है ना? अब देखो इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय मीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय मीटर याद करने में आप तो भूल सकते हो, है ना, हो सकता है किसी को याद ना रहे, तो इसकी यूनिट को एक नया नाम दे दिया, आज से हम 1 डिवाइडेड बाय मीटर को बोलेंगे डायोप्टर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय मीटर को? डायोप्टर।
क्लियर है, समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को, है ना? तो देखो क्या होता है, ये दो मार्क्स में आपको डेफिनेशन पूछते हैं और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको लिख लो फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लिया, लिख लिया सबने? अच्छा एक चीज और बताओ, अभी हमने पढ़ा पावर ऑफ फ्लेम्स का फॉर्मूला P, जो कि होता है 1/f × m, ठीक? तो कॉन्केव लेंस के लिए पावर ऑफ फ्लेम्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो 1+(-), मतलब आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस की पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। इतना समझ गए? इसमें कोई डाउट है? अब देखो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ऐसा यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। तो आपसे कई बार ये ऐसा भी पूछ लेते हैं 1 डायोप्टर क्या होता है ना, तो मैंने भी आपका इंटेक्स क्वेश्चन देखा उसमें डायरेक्टली पूछा गया डिफाइन 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर का मतलब क्या होगा? तो एक चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ पे फोकल लेंथ 2 रख दी, 2 मीटर रख दी, तो आंसर में क्या आ जाएगा? 0.5 डायोप्टर आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 डायोप्टर। पर अगर मेरे को 1 डायोप्टर बताना है तो बताओ फोकल लेंथ मेरे को 2 रखना चाहिए, 3 रखना चाहिए कि 1 रखना चाहिए? 1 रखना चाहिए। तो यहीं से हम 1 डायोप्टर की क्या बनाएंगे? डेफिनेशन। तो 1 डायोप्टर क्या हो जाएगा? पावर ऑफ लेंथ व्हेन फोकल लेंथ इज 1 मीटर। पावर ऑफ लेंस जब फोकल लेंथ कितना मीटर हो? 1 मीटर। पहले से रख के देख लो, 1/1 करोगे क्या जाएगा? 1। और डायोप्टर को हमने क्या लिख दिया? डी। अब देखो हर बार डायोप्टर कितनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, तो डायोप्टर को दिखाने के लिए हम क्या लिख देंगे? डी। तो आप में से अगर कोई आपके डॉक्टर के पास में गया हो या आपने देखा हो किसी का चश्मा बनाने के लिए आपने बिल वगैरह दिया हो, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उस पे कोई ऐसा लिखकर देता है 0.5D या -3.2D, इसका मतलब क्या है? ऐसा फोकल लेंथ दो, ऐसा लेंस दो जिसकी पावर क्या है? -3.2D है, मतलब ऐसा कॉन्केव लेंस दो जिसकी पावर कितनी हो? -3.2। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस दो जिसकी पावर कितनी हो? 0.5D। क्लियर है सबको, है ना? अब देखो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बुक के अंदर डायरेक्टली न्यूमेरिकल है इसका, है ना? ये 1 डायोप्टर की डेफिनेशन लिख लो, जब तक मैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन फाइंड पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फाइंड पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल
अब बताओ कॉन्केव लेंस दे रखा है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कॉन्केव लेंस डायग्राम देखो वापस से, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ का आप लिखोगे -2 मीटर, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा? 1/s इन मीटर। तो निकालो पावर ऑफ लेंस कितना जाएगा? 1/s मतलब 1/2 इन मीटर, मतलब कितना मीटर? 1/2 मतलब पावर ऑफ लेंस कितनी आ गई? -0.5 डायोप्टर। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? माइनस फोकल लेंथ किसमें थी? माइनस में थी, तो माइनस टू लिख दिया। 1/2 करेंगे 0.5 आएगा, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, और यूनिट लिख दी डायोप्टर। क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन के साथ। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। है ना, होमवर्क में इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। चलिए, बाय एवरीवन।